कोरोना अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ था कि एक बार फिर से चीन से आए नए बैक्टीरिया ने भारत की टेंशन बढ़ा दी है। भारत में एक नए चाइनीज बैक्टीरिया माइक्रोप्लाज्मा निमोनिया की एंट्री हो गई है, जिसकी जद में अब छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं। ये बीमारी चीन में हाहाकार इस वक्त मचा रही है। दिल्ली के एम्स अस्पताल ने अप्रैल से सितंबर के बीच माइक्रोप्लाज्मा निमोनिया के साथ मामलों का पता लगाया है। भारत में चीनी बीमारी की एंट्री। एम्स ने पीसीआर और आईडीएम एलिसा नामक दो परीक्षणों के जरिए चीन में बच्चों में सांस की बीमारी पैदा करने वाले बैक्टीरिया माइक्रोप्लाज्मा निमोनिया के साथ केस दर्ज किए हैं। यही वजह है कि चीन से आए कोरोना को झेलने के बाद भारत में अब इस बीमारी को लेकर डर फैलने लगा है। दरअसल पीसीआर और आईजीएम एलिसा परीक्षणों की पॉजिटिविटी रेट 3 और 16% पाई गई है। चीन में फैल रहा निमोनिया। ऐसा तब हुआ है जब चीन और कई अन्य यूरोपीय देशों में वॉकिंग निमोनिया के मामलों में वृद्धि देखी गई है। वॉकिंग निमोनिया एक बोलचाल का शब्द है जिसका उपयोग निमोनिया के हल्के रूप को बताने के लिए किया जाता है। सामान्य निमोनिया के विपरीत वॉकिंग निमोनिया अक्सर जीवाणु माइक्रोप्लाज्मा निमोनिया की वजह से होता है। भारत में इसके केस मिलने की वजह से चिंता इसलिए बढ़ गई है क्योंकि 4 साल पहले दिसंबर 2019 में चीन से ही कोविड शुरू हुआ था, जिसने पूरी दुनिया में हाहाकार मचा दिया था। एम्स दिल्ली में माइक्रोबायोलॉजिकल विभाग के पूर्व प्रमुख और कंसोर्टियम के सदस्य डॉक्टर रमा चौधरी ने एक इंटरव्यू में बताया कि माइक्रोप्लाज्मा निमोनिया को 15-20% कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया का कारण माना जाता है। माइक्रोप्लाज्मा निमोनिया संक्रमण सबसे ज्यादा छोटे बच्चों और स्कूल जाने वाले बच्चों को अपनी चपेट में लेता है, लेकिन किसी को भी प्रभावित कर सकता है। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर रहने और संक्रमण वाली जगह पर रहने या काम करने वाले लोगों को इसका खतरा ज्यादा है। माइक्रोप्लाज्मा निमोनिया, इसके लक्षण। जिन बच्चों को माइक्रोप्लाज्मा निमोनिया संक्रमण होता है, उनमें आमतौर पर कुछ बेहद सामान्य लक्षण जैसे गला खराब होना, थकान महसूस होना, बुखार, खांसी जो हफ्तों या महीनों तक बनी रहती है, और सिर दर्द भी शामिल है। तो ऐसे में भारत की टेंशन इसलिए बढ़ गई है क्योंकि 2019 में कोरोना की वजह से जिस तरह से दुनिया ने जो कुछ झेला, वो एक बार फिर से सामने नजर आ रहा है।